तो स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद मैप देखेंगे और अगले वीडियो में उसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, जानकारी रहेगी तो हमको चीज़ें समझने में आसान रहेंगी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। चाइना में यारलुंग जांगबो, अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करती है उस समय सियांग नाम से, और जब अरुणाचल प्रदेश में प्लेन्स में चली जाती है तो देहंग नाम से जाना जाता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ है, तो इसका ओरिजिन पड़ता है नेपाल से, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, ठीक है। और ऊपर नॉर्थ साइड में जब जाएंगे तिब्बत पठार पड़ता है, तो तिब्बत पठार में मानसरोवर लेक है, ठीक है, उसके पास आंगसी ग्लेशियर से निकलता है, उसको मैं मैप में अभी दिखाऊंगा कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में 9वीं सबसे बड़ी नदी है डिस्चार्ज के बेसिस पे, और सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो 15वें नंबर पर आती है। इसके अलावा इसकी लेंथ 3080.25 किलोमीटर है, एवरेज डेप्थ इसकी 38 मीटर है, और मैक्सिमम डेप्थ जो कि सेंटर पे होता है वो 120 मीटर है, ठीक है। जब हिमालय में स्नो जो होती है, जो बर्फ होती है, पिघलती है, तो उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। इट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर। अब ये ब्रेडेड रिवर क्या होता है, देखिए, कभी भी जब नदी पहाड़ों द्वारा काट कर लाई गई मिट्टी को जब मैदानी भागों में पाट देती है तो फिर क्या होता है, उसकी धारा कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, ठीक है। इन छोटी छोटी धाराओं में बटने के बाद किन्हीं दो धारा के बीच में जो लैंड बनती है, जो प्लेन बनता है, उसको हम ब्रेड बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये ब्रेड है, ठीक है। तो ब्रेडेड रिवर का ये क्लासिक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्रह्मपुत्र नदी छोटे छोटे अपने रिवर्स में टूट गई है, ठीक है। एक रिवर आई, वो मिट्टी लाई अपने साथ, रास्ते में पाट दी, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया कि चेंज हो गया, तो ये कई छोटे छोटे नदियों में टूट जाती है, ठीक है। और जो दो नदियों के बीच में जो लैंड बनती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि पार्ट्स में टूटती है, नदी नहीं बोलिए कि एक नदी आती है वो अब कई पार्ट में टूट जाती है, जब सेडिमेंट्स को लाती है वहाँ पे पाटती है तो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर, ठीक है। इसका एक चीज़ और है कि ये टाइडल बोर बनाती है, ठीक है। टाइडल बोर क्या होता है कि कभी आप ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे तो उसमें वेव फॉर्म में क्या होता है, पानी जो होता है वो वेव फॉर्म में जनरेट होता है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि जब टाइडल बोर आता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी लीडिंग एज है, ठीक है, वो क्या होती है कि आगे, मतलब एक चंद्राकार में, यानी चंद्र के आकार में आगे बढ़ती जाती है वेव फॉर्म में, और रिवर के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टाइडल बोर। ये रिवर के करंट के अपोजिट डायरेक्शन बहती है और वेव फॉर्म करती है, जैसे तीन चार वेव लाइन से होती है, एक वेव यहाँ हुआ तो एक वेव यहाँ तो एक वेव यहाँ, ये लाइन से चलती है, ठीक है। ये अकेली रिवर है जिसका एक मेल नाम है ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा चाहे आप दक्षिण भारत की नदियों को देख लीजिए, चाहे वो गंगा हो, सॉरी, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे महानदी हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे सिंधु हो, सतलज हो, तो इन सब का क्या है, फीमेल नाम है। लेकिन ये एक ऐसी रिवर है जिसका एक मेल नाम है, ठीक है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम आंगसी ग्लेयर, ठीक है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है इसके। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है ना बुरंग कंट्री है तिब्बत में, वहाँ से, ठीक है। द रिवर इंटर्स इन टू डीप गार्जेस एंड कैनियन नियर नामचा बरवा। नामचा बरवा भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हम बोलते हैं कि पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। तो फिर 1700 अपने ओरिजिन से 1700 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है नामचा बरवा के पास ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है, साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाती है और इंडिया में इंटर कर जाती है। तो अब ये क्या होता है, गार्ज या कैनियन क्या होता है,
कि देखिए गार्जिया कैनियन को समझने के लिए कि ब्रह्मपुत्र जो है ना वो पहले अपनी पानी को अंगा उसमें टेथिस सागर में गिराती थी, ठीक है, टेथिस सी में गिराती थी, और जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का टक्कर हुआ तो फिर उससे हिमालय बन गया। जब हिमालय उठ रहा था, हिमालय जब अपने उत्थान पे था, उससे पहले यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर बहती थी, ठीक है। तो अब रिवर क्या एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने लेवल को मेंटेन करना चाहती है। तो जैसे पहाड़ नीचे से ऊपर आ रहा है और रिवर अपना लेवल मेंटेन कर रही है, तो वो क्या करेगी, पहाड़ को काट के एक गहरे खड्ड का निर्माण कर देती है, ठीक है। जैसे कि ये एक ऐसे हो गया माउंटेन, बीच में ऐसे फ्लैट, फिर उसके बाद यहाँ पे एक माउंटेन हो गया, ठीक है। तो इस शेप में क्या करता है कि ये बनाता है जिसमें बीच से रिवर बहती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, गार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो गार्जिया कैनियन क्या हुआ कि रिवर अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए पहाड़ों को काट के गहरे खड्ड में बहती है, गहरे गहरे तलों पे बहती है, गहरे गड्ढों में बहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं, ठीक है। शेप कैसा होता है, इस तरह का होता है। उसके किनारे किनारे, रिवर के किनारे किनारे खड़े खड़े एकदम माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या आया कि हाँ, असम में जब यहाँ पे असम में आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जब असम में आती है तो वहाँ पे ये दिबंग और लोहित के साथ मिलके ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तो हम इसको असम में बोलते हैं, ठीक है, असम में हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। हर एक रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग नाम है, जैसा कि हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो जब असम में इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश से आने वाली दिबंग और लोहित नदियों के साथ मिलकर सियांग नदी, ठीक है, सियांग कह लीजिए या दिबंग नदी कह लीजिए, सॉरी दिहंग, जब दिहंग नदी दिबंग और लोहित का पानी लेके असम में बहती है तो उसको हम ब्रह्मपुत्र नदी बोल देते हैं, ठीक है। यहीं पे डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के पास में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद अब क्या होता है कि जब दो पार्ट में डिवाइड हो गई तो फिर आगे जाके क्या हो जाता है कि मिल जाती है, आगे जाके फिर मिल जाती है। तो यहाँ इन इनके बीच में, यानी इसके बीच में जो एक आइलैंड बन रहा है, उस आइलैंड को क्या बोलेंगे, उस आइलैंड को बोलते हैं माजुली आइलैंड, ठीक है। जब हम इसका विजुअलाइज आपको करवाएंगे गूगल अर्थ के माध्यम से, तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि माजुली आइलैंड कहाँ है, ठीक है, माजुली आइलैंड कहाँ है। तो ये माजुली आइलैंड कैसे बना, ब्रह्मपुत्र नदी आई, दो भागों में विभक्त हो गई, फिर उसके बाद जाके आगे एक जगह मिल गई, तो बीच में जो द्वीप का निर्माण हो रहा है, जो आइलैंड का निर्माण हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, माजुली आइलैंड। और ये पूरे वर्ल्ड में किसी रिवर पे बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। आगे देखते हैं, जब सांगपो इंडिया में इंटर करता है तो वो सियांग नाम से इंटर करता है, और जब सियांग नाम से इंटर करता है तो वो ऊंचाई पे बहता है, और जब प्लेन्स में आती है तो इसको क्या बोलते हैं, दिहंग की संज्ञा दी जाती है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सियांग बोले या दिहंग बोले, नाम दोनों एक ही नदी का है, लेकिन सियांग जब इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में ऊंचे क्षेत्र से तो उसको सियांग बोलते हैं, और जब सांगपो नदी आ जाती है प्लेन्स में, अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में आ जाती है, तो उसको दिहंग नदी बोलते हैं, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहाँ फॉर्म होता है, बांग्लादेश में, और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पश्चिम बंगाल में आ जाता है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा भी मैंने बताया था कैसे फॉर्म होता है, डेल्टा जब हिमालय से मिट्टियों को काट के लाती है तो जब प्लेन्स में वो बहती है तो वहाँ पे जाके उसको पाट देती है, जिसकी वजह से नदी कई भागों में विभक्त हो जाती है। जब कई ना भागों में विभक्त हो जाती है तो वो क्या करती है, किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। बांग्लादेश में देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और बस बचा है, बता दूँ, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर तिस्ता रिवर, ठीक है, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से तिस्ता रिवर बहती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बराक नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मणिपुर से, ठीक है। बराक नदी जब मणिपुर से बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और यही मेघना पद्मा के साथ मिलके फिर वापस किसका निर्माण कर देता है, फिर मेघना नदी पद्मा नदी से मिलती है और संयुक्त धारा मेघना जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। आइए चलिए अब मैप पे चलते हैं, ठीक है, मैप में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि ये पहले ट्रिब्यूटरीज इसकी देख लें, कौन कौन सी नदी मिलती है। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश ऐसे है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अब ब्रह्मपुत्र की अगर ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियों के बारे में बात करें तो हम उसके दाएं तट और बाएं तट की नदियों को देखते हैं, ठीक है। फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, तो दाएं तट कौन सा हो गया, ये हो गया, बाएं तट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो दाएं तट की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तिस्ता, सांकोश, मानस, ठीक है, बारमाडी, ये सब कई छोटी छोटी नदियां मेन मेन आपको याद कराते हैं, ठीक है। तो हो गई सियांग, सुबानशिरी, ठीक है, उसके बाद जिया भरेली, फिर उसके बाद मानस, संकोल, तिस्ता, और दाएं तट पे कौन कौन सी हैं, लोहित, दिबंग, ठीक है, बूढ़ी दिहंग, दिखोऊ, धानश्री, सुबानश्री, ये सारी कौन सी हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। तो मैप में आप देख लीजिएगा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तिस्ता, मेन कौन सी याद करनी है, तिस्ता, मानस, ठीक है, मानस भूटान से आती है, तिस्ता सिक्किम से आती है, उसके बाद भरेली, सुबानशिरी, सियांग, दिबंग, लोहित, बूढ़ी दिहंग, ठीक है, धनश्री, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पड़ते, ये आपका तिब्बत पठार है, ठीक है, तिब्बत पठार में यहाँ पे पड़ता है मानसरोवर लेक, ठीक है, यहीं पे आंगसी ग्लेशियर से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। चीन में इसको यारलुंग जांगबो नाम से जानते हैं और तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे नामचा बरवा पड़ता है, नामचा बरवा के पास ये क्या करती है, यू टर्न ले लेती है दक्षिण की ओर, और यहीं पे एक गार्ज का निर्माण करती है जिसको दिहंग गार्ज बोलते हैं, ठीक है। दिहंग गार्ज कहाँ बनता है, जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो वृहत हिमालय, ये कौन सा हिमालय है, वृहत हिमालय को काट कर एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है जिसको दिहंग गार्ज कहते हैं, ठीक है। और दिहंग कहाँ बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है, और इसीलिए इसको, इस गार्ज को क्या नाम देते हैं, दिहंग गार्ज। इसके बाद ये पूरे अरुणाचल असम में ब्रह्मपुत्र नाम से जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बांग्लादेश में ये यू टर्न लेती है, यहाँ से गंगा नदी के साथ जमुना, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को, जमुना। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। तो संयुक्त धारा कौन सी बनेगी दोनों को मिला के, पद्मा। यहाँ से मेघना नदी आती है, ठीक है, बराक नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसको मेघना नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और मेघना मिलके किसका निर्माण करती है, मेघना का, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। देखिए यहाँ पे है तिब्बत पठार, यारलुंग जांगबो या यारलुंग सांगपो यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ पे नामचा बरवा से मुड़ी, फिर आई यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, फिर आसाम में आई, फिर आसाम से बांग्लादेश में गई, ठीक है। गंगा यहाँ पद्मा, जमुना यहाँ से मेघना नदी, देखिए यहाँ मणिपुर है, बराक नदी निकली, आई, मिली, मेघना नदी पद्मा से मिली, और पद्मा नदी फिर जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा दी, ठीक है। उसके अलावा एक फिगर और देख लीजिए आप, हाँ ये, ठीक है। तो ये कहाँ मुड़ती है, ये मुड़ती है धुबरी, यहाँ देखिए धुबरी, असम का धुबरी है, ठीक है। असम में सदिया से धुबरी, पूर्व में सदिया और पश्चिम में धुबरी, यहाँ सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंट्री की, ठीक, ये बांग्लादेश में एंट्री कर गई, यहाँ से गंगा नदी आई, ठीक है, पद्मा नाम से, यहाँ पे पद्मा की धारा गई, फिर यहाँ से कौन सी नदी आई, यहाँ से मेघना नदी आई, मेघना नदी मिली और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में जल गिरा दी। तो यहाँ पे कौन सा डेल्टा फॉर्म हुआ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसके अगले वीडियो में हम गूगल अर्थ के माध्यम से इसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। विजुअलाइज करेंगे मतलब क्या है, रियलिटी में देखेंगे कहाँ से कहाँ फ्लो रही है। ये दोनों वीडियो अगर आपने देख ली तो बात मानिए आपने पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का अच्छे से वर्णन खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए हम अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कर लिए, फिर उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।